आज तक में आज तक जितने भी घोटाले यूपीए सरकार ने किए हैं, सबसे बड़ा घोटाला कोयला घोटाला साबित होगा। कल दोनों सदनों में विषय निकला, उसमें कैग के एक रिपोर्ट की बात हो रही थी, तो पहले ही मैं बता दूं कि कैग का रिपोर्ट जब ऑफिशियली टेबल होगा तब उस पर हम हमारी टिप्पणी देंगे। लेकिन इस पूरी कहानी में पिछले 5 साल में ये जब बंदरबांट हो रही थी 2006 से 2009 तक, उस सारे समय स्थायी समिति में लड़ते रहे हमारे हंसराज आहिर जी और हमारे अन्य साथी स्थायी समिति में जो है उनके साथ लगातार उन्होंने प्रयास किया। तो एक तरह से, और एक पत्र हम आपको देने वाले हैं कि 2010 में इन्होंने कैग को लिखकर स्पेशल ऑडिट की मांग की थी, अब उसी से कारण हुआ स्पेशल ऑडिट या और भी किसी के आए थे हमें पता नहीं है, लेकिन वो एक पत्र बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए आपको देंगे, एक प्रेस नोट भी देंगे, बाद में मैं रैप अप करूंगा। लेकिन पहले हंसराज जी, जिन्होंने ये लड़ाई शुरू से लड़ी है सदन में, सदन के बाहर, तो वो पहले अपना एक प्रारंभिक टिप्पणी करेंगे, फिर मैं उसको रैप अप करूंगा, फिर क्वेश्चंस लेंगे। मैं आप लोगों को सबका यहाँ स्वागत करते हुए कहूँगा कि कैप्टिव कोल ब्लॉक आवंटन संबंधी हमने फिर एक बार आपके सामने आकर निवेदन करने का जो हमको मौका है, इस आवंटन के में जो भारी धांधलियाँ, अनियमितता, साथ में घोटाले के साथ बड़ा भ्रष्टाचार जो हुआ था, ये बातें अब सामने आ रही है जो हमने आपके इसके पूर्व आपके सामने निवेदन कर चुके हैं। मैंने और हमारी पार्टी के द्वारा अनेक शिकायतें प्रधानमंत्री, प्लानिंग कमीशन, कोल मंत्रालय और अन्य क्षेत्रों में संबंधित क्षेत्र को भेजकर बार बार हम कहते रहे करते रहे कि भाई ये फ्री ऑफ कास्ट में जो कोल ब्लॉक का आवंटन हो रहा है वो देश के लिए, देश का राजस्व डुबाने वाला है, देश की एक कीमती प्रॉपर्टी हम कुछ उद्योगपतियों के हाथ में बांट रहे हैं, ये गलत है। स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर होने के नाते मैं 2004 में भी जब लोकसभा का सदस्य उस 14 लोकसभा में जब आया तब भी मैं इस कोल स्टैंडिंग कमेटी में मामले को मैं उठाता इसलिए रहा 2005 से कि फ्री ऑफ कास्ट ये बांटना ये बहुत गलत बात थी, और लगातार बोलने के बाद में भी मैं एक विश्वास मुझे है कि 2006 में इस संबंध में कोल ब्लॉक ऑक्शन के संबंध में एक बिल का प्रारूप बन चुका था, ये हमारा दबाव था। लेकिन 2006 में लोकसभा में राज्यसभा में पेश न करते हुए 2008 में पेश किया गया, इसमें कोल ब्लॉक कैप्टिव कोल ब्लॉक नीलाम है, और 2008 में पेश करने के बाद में 2010 तक इसको पेंडिंग रखा गया। ये कि सरकार की, यूपीए सरकार की कोल मंत्रालय की रणनीति और इसमें एक भारी षडयंत्र हमें दिखता है, और 21 अगस्त को ये लोकसभा में, राज्यसभा के बाद में बिल आकर पास हुआ, उसके बाद में अभी तक सरकार ने इस कोल ब्लॉकों को नीलाम किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, इसके अभी तक विनियम नहीं बनाए गए हैं, आज भी इसको विलंब में पेंडिंग रखा गया है। हम अनेक शिकायतें प्रधानमंत्री जी को करते रहे, प्रधानमंत्री जी के पास में करीब 200 चिट्ठियाँ लिखी जिसके मेरे पास में डॉक्यूमेंट पड़े हुए, लेकिन नहीं मानने के बाद में हमने CAG CVC को शिकायत की नवंबर 2010 में, और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी एक्शन होने जा रही है सरकारी एजेंसी के माध्यम से, और मुझे विश्वास है कि जो हम शिकायत कर रहे थे उसमें अब तथ्यों सामने आया है, सत्य सामने आ रहा है, हमें सरकार ने कितना अपराध किया है इसका अनुमान आप ही लोग लगाएंगे, धीरे धीरे बातें सामने आएंगी। लेकिन हमने तब भी कहा था कि 2G घोटाले से बड़ा एक घोटाला है, इसके बहुत से आधार आपके सामने आ गए हैं। मैं आपके सामने ये कहूँगा कि मेरी पार्टी के द्वारा और हमने जो इशू को सामने लाया है, ये इशू बहुत गंभीर है, देश की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी कुछ इन्हें गिने लोगों को दी गई है, हम ये कहते हैं कि 120 करोड़ लोगों की ये प्रॉपर्टी थी जो 120 लोगों में बांटी गई है, इसे रोक लगाने की ज़रूरत थी, शायद इसके आगे रुक जाएगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार पे हम दबाव डालेंगे
हमारे नेता लोग भी कहेंगे आपसे कि कैंसिल किए जाए, जो भी ब्लॉक आवंटित किए गए कैंसिल हो, ये मांग रहेगी। जैसे आहिर जी ने बताया और कल मैंने भी आपसे बात की, ये हड़बड़ी में इतने बड़े पैमाने पर कोल ब्लॉक बांटे गए 2006 से 2009 तक, 2006, 2007, 2008, 2009, 4 साल की ये धांधली है मुख्यतः। उसके पहले हर साल दो चार जो प्रत्यक्ष उद्योग है जिनको कैप्टिव यूज के लिए चाहिए, ऐसे पावर कंपनी, स्टील कंपनी या सीमेंट कंपनी जो खड़ी है उसको दिया जाता था। लेकिन 2006 और 9 में 90 कोल ब्लॉक्स बांटे गए निजी कंपनियों, 143 निजी कंपनियों को, 143 कंपनीज प्राइवेट कंपनीज वेर अलॉटेड 90 कोल ब्लॉक्स वर्थ 17 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कोल रिजर्व। कैन यू इमेजिन, 17 खरब टन का कोयला भंडार मुफ्त में दिया गया, जिसकी कीमत आज के बाजार भाव से 51 लाख करोड़ होती है। और ये इतने बड़े पैमाने पर कोल आवंटन कब किया गया, उसकी भी दो विशेषताएं हैं। ये 2006 से 9 तक ज्यादा समय प्रधानमंत्री कोयला मंत्री थे, इससे ये बात गंभीर बनती है। और इसी दरमियान बिल तैयार हुआ था और बिल लोकसभा और राज्यसभा में एक्टिव कंसिडरेशन में था। जरूरत थी कि सरकार इस समय कोयला न बांटे, कोयले ब्लॉक्स, लेकिन इन्होंने किया। और ये पूरा केंद्र सरकार का है, इसमें राज्य सरकार का कुछ नहीं होता। ये पूरा सैंक्शन एप्लीकेशन यही आते हैं और यही उसका होता है, राज्यों से केवल रिपोर्ट लेते हैं। और ये जो हुआ तो ये दो विशेषताएं कि प्रधानमंत्री खुद कोयला मंत्री, और जब कानून ऑक्शन का बन रहा था तब आपने इतने बड़े पैमाने पर जो 13 साल में नहीं हुआ वो 3-4 साल में आपने करके दिखाया, उससे भी ज्यादा। अब ये तो मुफ्त वैसे नहीं हुआ होगा, लॉजिक सजेस्ट दैट समबडी मस्ट हैव गेन्ड। यही तो भ्रष्टाचार की कहानी है। क्या रेट था, लोग कहते बाजार में कि गोइंग रेट 50 रुपए से 100 रुपए प्रति टन था। अब अगर 17 खरब टन का हिसाब लगाओगे तो कितने लाख करोड़ हो गया उसका केवल रिश्वत। लेकिन जैसा लॉस है वो तो कल आया और मैंने कहा कि CWG में 70,000 करोड़ घोटाला, फिर इसमें 1,70,000 करोड़, 2G में अब ये 10,70,000 करोड़। तो ये बड़ा घोटाला है। और इसलिए कांग्रेस की जो कल रिएक्शन है कि ये तो रिपोर्ट नहीं आया है, ये रिपोर्ट है ही नहीं, पहले नकारो, फर्स्ट डिनाय, फिर दूसरा कोई टेक्निकल मुद्दे उपस्थित करो, फिर कोई लीगल मुद्दे उपस्थित करो, जब मजबूर हो जाएंगे तब तो कार्रवाई करेंगे। और तब एक ही होगा उनका निशाना कि कैसे तैसे प्रधानमंत्री और हाईकमांड को बचाओ, किसी जूनियर का बलि दे दो। हमने बोफोर्स में ये देखा, हमने CWG में ये देखा, हमने 2G में ये देखा, और अब यही होने वाला है आने वाले दिनों में। तो देर इज अ मेथड इन मैडनेस, देर इज पैटर्न फॉर डिफेंस। आई से इट इज अ कांग्रेस स्टाइल ऑफ डिफेंडिंग द स्कैम। इसलिए हम आज 5 प्रश्न पूछ रहे हैं, वी आर रेजिंग 5 क्वेश्चंस। पहला सवाल यह है कि जिनको खदानें अलॉट हुई तो उसमें ऐसा होता है कि 3 साल में उसके खदान का काम शुरू करना चाहिए, और अगर अंडरग्राउंड है तो 4 साल में करना चाहिए। तो यह भी मुदत हो गई अनेक लोगों की, लेकिन ऐसे कितने कंपनियां हैं कि जिनको कोल ब्लॉक मिले लेकिन जिन्होंने शर्तों के मुताबिक खनन का कार्य शुरू नहीं किया है, सरकार बता दे और उस पर क्या कार्रवाई की।
दूसरा हमारा सवाल है, कुछ कंपनियां ऐसी है कि जिनको कोल ब्लॉक मिला लेकिन उनकी तो फैक्ट्री थी नहीं, तो खनन तो उन्होंने किया लेकिन अब उपयोग जो उनके उपयोग गृह उपयोग के लिए दिया था वो तो फैक्ट्री है नहीं, तो बाजार में बेचा। तो ऐसी कितनी कंपनियां है जिन्होंने बाजार में बेचा, उसको किसने अनुमति दी, और जो शर्तों का सीधा सीधा भंग करते हुए बाजार में बेचा गया इसको किसने सहमति दी, और ऐसी कितनी कंपनियां है, सरकार ने क्या एक्शन उस पर लिया। कुछ कंपनियां ऐसी है जिसका भी एक पब्लिक नोटिस हम आपको दे रहे कि दो कंपनियों का डिस्प्यूट है, और डिस्प्यूट में जो प्रॉपर्टी एक दूसरे को देने की बात है उसमें एक लोहारा ईस्ट कोल ब्लॉक का भी उल्लेख है, 350 हेक्टर का, यानी 1000 एकड़ का एक कोल ब्लॉक है, वो भी उनके डिस्प्यूट का एक हिस्सा है। यानी लोगों ने बेचे जैसे 2G में बेचे और बाद में डिस्प्यूट भी हो गया और उसका पब्लिक नोटिस भी दिया, वो भी हम दे रहे हैं, और हंसराज जी बाद में रहेंगे तो आपको बताएंगे भी, उसको आप पूछ सकते हैं। तो ऐसे कितने कंपनियां हैं जिन्होंने इक्विटी डाइल्यूट करके या दूसरे किसी तरीके से जो कोल ब्लॉक मिला था वो दूसरे कंपनी को दिया, और सरकार ने इस पर क्या किया। हमारा चौथा प्रश्न है कि ये 2006 और 2009 में जब प्रधानमंत्री थे और जब बिल बन रहा था तब इतनी जल्दबाजी में कोल ब्लॉक क्यों बांटे गए, उसका कोई कारण तो बताओ यार। और इतनी सारी शिकायतें केवल हंसराज अहिर ने किया ऐसा नहीं, सभी दलों के लोगों ने की होगी, जो दलों में नहीं है उन्होंने भी की। उन शिकायतों की सरकार ने कोई जांच की क्या, उस जांच के परिणाम क्या है, फाइंडिंग्स क्या है, और उसको उस पर अगर नहीं की तो क्यों नहीं की जांच, इतनी सारी शिकायतें आने के बावजूद भी जांच क्यों नहीं की, अगर की तो क्या फाइंडिंग्स है, नहीं की तो क्यों नहीं की। तो ये आज 5 सवाल हम उठा रहे, हम इसका फॉलोअप करेंगे। सी दिस कोल स्कैम विच कैन बी टर्म्ड एज ब्लैक गोल्ड रश, कोल इज नोन एज ब्लैक गोल्ड एंड नाउ विद द मार्केट रेट्स गोइंग अप it has proved to be a black gold. So this black gold rush during 2006 and 2009 is a subject matter of a real inquiry. And why we say so? Because never in the history with that breakneck speed the coal blocks were allotted. And on the backdrop when the Prime Minister himself was for the major period between these 2006 to 2009, he was the coal minister himself, and when the law to make a mandatory auction route for coal block allotment was actively being considered, during that period this type of rush and the speed was witnessed. So what is the reason for that, and what we are witnessing now, yesterday we will comment about CVC report, CWG report, CAG report when it actually tabled. We don't know what the report is. But this is very simple, that this is the worst scam ever come to light. And Mr. Hansraj Ahir is raising the issue for last 5 years relentlessly, complaining at various authorities. And even in 2010, he made an appeal for a special audit to the CAG. So BJP is today raising 5 questions today, that how many companies who were allotted coal blocks and who were obliged to start mining operations within 3 or 4 years, how many companies who have not done that, and what action government has taken against those companies? How many companies started mining operation within the stipulated time limit but had no plant ready to use it, and that is why they sold it in the market? So who are those companies and what action government has taken against them, or who allowed them to sell? The third is, there are some companies who have effectively transferred the coal blocks to other companies,
via equity dilution of equity route or some other routes also. So which are the companies who have effectively transferred their coal blocks to other companies, and what action government has taken against them? And what was the necessity of such a breakneck speed when the PM was heading the ministry and the bill was actively being considered with a great loss to the exchequer? You distributed all those blocks. And last but not least, whether after so many complaints, because it is not only Hansraj, many people have, from parties and from NGOs also, have made complaints, whether government has conducted any inquiry into all those complaints, what are the findings thereof, and if not, why did it not institute a proper inquiry? So these are the five questions we are flagging up today. And what we are witness yesterday is a typical Congress style scam defense arguments. First deny, then raise technical points, then raise legal points, and then save high command and PM, and if compelled, take action, and take action against junior, but save the high command. That's the pattern we have witnessed in Bofors, we have witnessed in 2G, we have witnessed in CWG and everywhere. So this is what is happening here, and we are raising this issue. That's all from my side. Thank you, sir.